वेलकम बैक फ्रेंड्स, सेवा शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और साथ ही साथ शेविंग का भी आनंद उठा रहे होंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत की जाए ना। आज जो मैं प्रोडक्ट्स लेके आया हूं, इनको लग्जरी की कैटेगरी में रखा जा सकता है और वेट शेविंग की दुनिया में इनको काफी सम्मान या कहना चाहिए रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा जाता है। और जो इंटरनेशनल वेट शेविंग के जानकार हैं, उनकी शेविंग जो डेन है उसमें अक्सर इन प्रोडक्ट्स को देखा जा सकता है। तो मैं पहेलियां ज्यादा ना बुलाऊं और सीधे मुद्दे पे आ जाऊं। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं अल्ट्रा लग्जूरियस प्रोडक्ट्स लेके आया हूं, दे आर फ्रॉम द हाउस ऑफ द आर्ट ऑफ शेविंग। तो आज इसके दो प्रोडक्ट्स मैं लेके आया हूं, इनकी शेविंग क्रीम सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल वाली शेविंग क्रीम और सेम जो है सैंडलवुड आफ्टर शेव बाम। तो इस कंपनी के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊं पहले, और अब मेरी आदत है यार, थोड़ा झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो, बड़ा मजा आता है। नाउ ये जो कंपनी है, इसको फाउंड करने वाले दो लोग थे, एक का नाम है एरिक मेलका और दूसरे मैरियम ज़ोई। एरिक मेलका एंड मैरियम ज़ोई, और इन्होंने ये कंपनी 1996 में शुरू की थी अमेरिका में मैनहट्टन में। और इस तरह से उनका मेन उद्देश्य यही था कि किस तरह से वेट शेविंग को एक अल्ट्रा लग्जरी का स्तर दिया जाए। और इन्होंने अपने कुछ फॉर्मुलेशंस तैयार किए एसेंशियल ऑयल के साथ, और इस तरह से इन्होंने अपना पहला स्टोर मैनहट्टन में खोला। और जो वेट शेविंग के जो जानकार लोग थे, धीरे धीरे उनको इनके प्रोडक्ट्स की शायद लत लगने लगी और पूरे अमेरिका में उन्होंने नियरली 36 स्टोर्स खोल डाले और इंटरनेशनली भी बाद में इन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया। इन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसी के साथ जो है रशिया और ऐसी जगहों पर भी इन्होंने स्टोर खोले। और मजेदार बात यह है कि 2006 या 2009, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, में इस कंपनी को खरीद लिया गया प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिनका खुद का ब्रांड है और वो तो सबसे बड़ा जो है शेविंग ब्रांड है जिलेट। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने इसको एक्वायर कर लिया, $60 मिलियन की डील उस समय हुई थी। और इस तरह से फिर जो है आर्ट ऑफ शेविंग को इन्होंने मार्केट करना शुरू किया। अब ये जो है इसकी पेरेंट कंपनी जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, बट अब इन्होंने धीरे धीरे अपने स्टोर्स को बंद करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, इनका कहना है कि थ्रू एक तो कोविड उसके बाद और उससे पहले भी इन्होंने कहा ऑनलाइन इनका फोकस ज्यादा हो गया है, क्योंकि इतने जो ऊबर लग्जरी जिसे कहते हैं शेविंग स्टोर्स को मेंटेन करना भी कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया था। तो उन्होंने अब अपने स्टोर्स काफी जगह बंद कर दिए। तो पूरे अमेरिका में अब केवल दो स्टोर्स हैं इनके, एक फ्लोरिडा में और दूसरा न्यूयॉर्क में और एक दुबई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुछ जगहों पर और हैं। तो स्टोर्स उन्होंने काफी कम कर दिए हैं, बट ऑनलाइन इनका बिजनेस बड़े धड़ल्ले से चल रहा है और ये ऊबर लग्जूरियस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अब मैं शुरुआत करूं मेन मुद्दे की। तो ये इसका बॉक्स जो इसका कहना चाहिए, और इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूं। आर्ट ऑफ शेविंग क्रीम जनरेट्स, इनका कहना है, अ रिच एंड फोमी लेदर दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम इरिटेशन बाय इंप्रूव्ड रेजर ग्लाइड, इट सॉफ्टन्स द बियर्ड फॉर अ क्लोज एंड कंफर्टेबल शेव। और इसमें इनका कहना है इट इज फॉर्मुलेटेड विद ग्लिसरीन एंड एसेंशियल ऑयल्स। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो इसका सैंडलवुड है, जो सैंडलवुड ऑयल है, वो ऑस्ट्रेलिया से प्रोक्योर किया है और वो प्योर सैंडलवुड ऑयल डालते हैं इसमें। और शेविंग क्रीम हाइड्रेट्स योर हेयर फॉर शेविंग, तो खैर जो लिखते ही हैं। और इस तरह से जो है ये एक बहुत अच्छी रेजर ग्लाइड कहता है देती है, और 150 ml का ये टब है। तो जल्दी से इसको खोला जाए। सो इस बॉक्स को मैं रखता हूं नीचे। So this is this box and this is the texture of the cream. यार एक चीज मेरे को अभी भी समझ नहीं आई, मैंने टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट, उसका भी सैंडलवुड की जो शेविंग क्रीम है मेरे पास है, ट्रू फिट है की भी सैंडलवुड है, और अब ये जो है आर्ट ऑफ शेविंग की भी सैंडलवुड क्रीम मेरे पास आ गई। ये तीनों बड़ी धाकड़ शेविंग क्रीम मानी जाती है व्हेन इट कम्स टू सैंडलवुड, मगर इन तीनों को शायद अभी भी पता नहीं है कि सैंडलवुड है क्या, क्योंकि जब मैं इनके सामने अपनी वो देसी और सस्ती वाली जो ट्यूब खोलता हूँ, वीको वाली, वीको की, तो
तो उसमें जो स्मेल आती है वो इसके कंपैरिजन में नहीं होती, बट पता नहीं क्या बात है इनकी जो भी स्मेल है बड़ी अच्छी है, तो बहुत ही हल्की मध्यम स्मेल आ रही है। हाँ, इट हैज द वेरी लाइट नोट्स ऑफ सैंडलवुड, सो दिस इज द टेक्सचर, और ये इसका टब है। आफ्टर शेव के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। आज का रेजर वन ऑफ माय फेवरेट्स, मगर काफी दिनों बाद मैं इसको अपने रोटेशन में रखा है, काफी दिनों बाद मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। इट्स अ रोमा 7 हाइब्रिड, और तो हाइब्रिड मतलब एक तरफ से ओपन कोम और एक तरफ से क्लोज कोम। बहुत ही अच्छा इसका शेविंग हेड है, और इसमें आज मैं लोड करने वाला हूं एस्ट्रा ग्रीन एस्ट्रा ब्लेड। इट्स रशियन बेसिकली, ये भी प्रॉक्टर एंड गैंबल की कंपनी है मगर ये रशिया में बनता है। तो इसको मैंने जल्दी से लोड कर लिया, नो प्रॉब्लम विद द अलाइनमेंट, और वेरी लाइट ओवरहैंग, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ही लाइट ओवरहैंग है। तो बहुत अच्छा रेजर है ये, किफायती दाम बढ़िया काम। और एक और नया प्रोडक्ट, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, तो याकी प्रोफेशनल ब्रश। सी द ब्यूटिफुल सिलिंड्रिकल पैकिंग, तो याकी प्रोफेशनल ब्रश एटलांटिस, और ये जनवरी के महीने में मैंने खरीदा था हमारे इंडियन वेट शेवर गुरु खोकर जी से, और ये है सिंथेटिक ब्रश। इस बॉक्स को रखता हूं मैं साइड में, ब्यूटीफुल सिलिंड्रिकल बॉक्स। ना इसका नाम एटलांटिस है, तो दिस ब्रश हैंडल हैज अ नॉटिकल फ्लेवर। तो सबसे पहले तो इसकी यू नो ब्रिसल्स की बात कर लें, अल्ट्रा सॉफ्ट अल्ट्रा लग्जूरियस सॉफ्ट ब्रिसल्स, एंड वेरी बहुत ही मजा आ रहा है ये करने में। 24 mm की इसकी जो नॉट है, और ये रेजिन हैंडल है, और इसके नीचे देखिए कितना प्यारा इन्होंने नॉटिकल फ्लेवर दिया है। एक शेल रखा है, शंख रखा है छोटा सा, फिर ये सी ग्रास कुछ इस तरह से, और नीचे गोल्ड डस्ट सैंड के रूप में दिए इन्होंने, और नीचे याकी का ट्रेडमार्क कॉइन। सो इट्स अ याकी प्रोफेशनल ब्रश, और ये सिंथेटिक ब्रश है, और ऑलमोस्ट बैजर ब्रश के क्लोज आ जाता है ये, बहुत ही सुंदर है। तो इसको जल्दी से मैं इसको डिप कर देता हूं। सो इट हैज अ लॉन्ग हैंडल, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स टुडे। सो मैंने अभी अभी फेस स्क्रब यूज किया है बायोटिक का, तो पूरी तरह से स्किन सॉफ्ट हो चुकी है। सो इट्स आयुर्वेदिक रेसिपी, 100% बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स, एंड इट इज बायो वॉलनट स्क्रब, तो बहुत अच्छा है, काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लादरिंग की, एंड लेट्स सी हाउ दीज प्रोडक्ट्स परफॉर्म टुडे। तो आज भी मैं कोई प्री शेव सोप और ऑयल यूज नहीं करने वाला हूं, ना ही कोई प्री शेव क्रीम। आपको मैं बताऊं, ये क्रीम जो है मेरे पास नियरली 2 महीने से पड़ी है, और इसका उद्घाटन आज कर रहा हूं मैं। तो गर्मी में कोई मेल्ट नहीं हुई, बिल्कुल क्रीमिश टेक्सचर है इसका, बट जो भी कह लो बहुत ही लाइट जेंटल मध्यम इसकी स्मेल है, और मेरे को लाइट जो है सटल स्मेल्स बहुत अच्छी लगती है। सो खासा पानी एब्जॉर्ब किया इस ब्रश ने, सो लेट्स मेक द लादर।
तो हमारे अपने फेसबुक जो ग्रुप है हमारा इंडियन पेट शेवर्स, उसमें बाय एंड सेल का जो एक और पेज है उसमें अक्सर हम आदान प्रदान करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। सो सुधीर खोकर जी से अच्छे वाजिब दाम में मैंने ये खरीदा, तो थैंक यू सुधीर जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू यूज़ दिस ब्रश। नाउ याकी जो है ये बहुत ही अच्छे और बढ़िया बजट में बहुत ही अच्छे बेहतरीन ब्रश बनाती है, ये चाइनीज कंपनी है। और बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा लादर बना रही है इस ब्रश ने। तो मैं इसका इस्तेमाल 3-4 बार कर चुका हूँ और सच में मेरे को बहुत पसंद आया ये ब्रश। दिस ब्रश हैज इट्स ओन स्पाइन, मगर ये बहुत ज्यादा हार्ड स्पाइन नहीं है, इट्स वेरी सॉफ्ट। नाम अटलांटिस दिया है इन्होंने जस्ट टू रिफ्लेक्ट द नॉटिकल फ्लेवर, मरीन फ्लेवर। तो इस तरह से कंपनियां लुभाती हैं अपने कस्टमर्स को, और उसमें से हम जैसे ज्यादातर हम जैसे पागल लोग होते हैं, दीवाने लोग होते हैं जिनको सिर्फ हैंडल देख के ही मजा आ जाता है कि एक और इसको रखा जाए। यार थोड़ा सा तो संगीपना होना चाहिए जिंदगी में। देखिए लादर यहाँ आ गया, नहीं तो उसके बिना जीने में मजा नहीं है। तो कंपनी के मुताबिक ये क्रीम जो है मॉइस्चराइज कर देती है, शेविंग क्रीम आपकी त्वचा को, और बहुत ही बेहतरीन आपको रेजर ग्लाइड देती है। तो लेट्स सी, ए वेरी सटल वेरी जेंटल फैंटास्टिक स्मेल, बट जो सैंडलवुड के जो प्योर नोट्स हैं वो बहुत ही कम है, मगर इनका कहना है कि इसमें प्योर सैंडलवुड ऑयल डाला गया है जिसको इन्होंने प्रोक्योर किया है ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरे को पता ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया भी सैंडलवुड के लिए जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं मानता था कि सैंडलवुड अपने आप कर्नाटका में ही पैदा होता है, बट हाँ हल्के हल्के नोट्स आ रहे हैं सैंडलवुड, आई कैन मेक आउट। तो बढ़िया लादर तैयार, एंड इट इज ऑल्सो फोर्टिफाइड विथ ग्लिसरीन, सो आई कैन एक्सपेक्ट अ गुड रेजर ग्लाइड। सो आई थिंक दैट्स इनफ। तो थोड़ी सी क्रीम से अच्छा लादर होगा, आप देखिए कितना लादर है मेरे ब्रश में, ये 3 पास मेरे को आराम से देगा। चलिए रोमा 7 हाइब्रिड हेड के साथ, और कॉपर जैसा जो है कॉपर टोन जो है इसका हैंडल है, लेट्स स्टार्ट। तो बियर्ड मेरी 2 दिन पुरानी है, तो पहला पास जो मैं एज यूजुअल ओपन कॉम से करूंगा, एंड इट इज लोडेड विथ जिलेट और आई शुड से एक्स्ट्रा ग्रीन ब्लेड, और उसका ये फर्स्ट यूज है, एंड एज यूजुअल फर्स्ट पास विद द ग्रीन। यार एक बात माननी पड़ेगी, ये रोमर 7 जो है इतने किफायती दाम में बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हैट्स ऑफ टू कमलेश भाई पटेल, दाद देनी पड़ेगी। $400 से $700 की रेंज में इनके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, रेजर्स आ जाते हैं, और क्या परफॉर्मेंस निकालते हैं। हाँ फिट और फिनिश अभी आप इसको पाकर से तुलना नहीं कर सकते, मगर ये बिल्कुल आप इसको देख के नहीं कह सकते कि फिट एंड फिनिश में कोई कमी है, बहुत ही बढ़िया। फॉर मी इट्स
माइंड ब्रेगो और एस्ट्रा के साथ इसका कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत पसंद आया। तो आर्ट ऑफ शेविंग के प्रोडक्ट्स यस काफी महंगे हैं, इनफैक्ट दे आर लिटिल बिट मोर कॉस्टली और आई शुड से लिटिल बिट मोर कॉस्टलियर देन ट्रूफिट एंड हिल। सो फैंटास्टिक स्लिकनेस, वन कैन एक्सपेक्ट स्लिकनेस तो बहुत ही जबरदस्त है और मुझे लग ही रहा है जैसे मैंने कोई आफ्टर शेव बाम ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। नो फीलिंग ऑफ ड्राइनेस, मगर सही बताऊं तो 10-15 मिनट अगर मैं स्किन छोड़ूं तब पता लगेगा। तो मैं भी आज इसका पहला इस्तेमाल कर रहा हूं इस क्रीम का, ये अभी तक मैं डेन में ऐसी पड़ी हुई थी, डेन में तो नहीं कहूंगा मेरे ड्रॉअर में। तो 2-3 मैंने पहले शायद ये आ गई थी मेरे पास। देखिए मैं अपने वीडियोस के साथ फिर से ये मैसेज देना चाहूंगा बार बार, कई बार जो होते हैं हमारे जो वेट शेवर भाई हैं वो मेरे आत्मीय भाई हैं, एक परिवार है हम लोग, आपने इतना सपोर्ट दिया है, मॉरल सपोर्ट, तो आप कभी ये फील मत करना कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत महंगे हैं और सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कभी भी ये वर्ड मत बोला करो अपने साथ अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके अंदर चाह है इनको यूज़ करने की तो ये भी आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। मगर हाँ, इनको मैं बजट बिगाड़ने वाले प्रोडक्ट्स नहीं कहूँगा और हर जो टूल है आपका वो बहुत अच्छा है, चाहे आप प्लास्टिक रेजर ही क्यों ना यूज़ कर रहे हो उस पर इंजॉय करो। अगर आपकी टेक्निक सुधर रही है तो फिर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। शुरू में टाइम लगता है थोड़ा, मगर एक बार जब आप वेट शेविंग से पूरी तरह से भली भांति से परिचित हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, तो आपको फिर वो मल्टी काजेट वाली जो शेविंग है उसकी तरफ कभी लौटेंगे नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब देखिए हम लोग का तो काम ही है कि नए, मैंने जब शुरुआत की थी आज से 2 साल पहले अप्रैल 2020 में मैंने अपना पहला वीडियो लोड किया था, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड अपने देसी प्रोडक्ट थे, उसमें सबसे जो लग्जरी वाला प्रोडक्ट था वो पिंक वुल्फ का था और ट्राइगोनोन का, जो मैंने एक साथ ऑर्डर किए थे। उसके बाद कहाँ कहाँ से ट्रूफिट और हिल पे भी बात आ गई, ओके टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट पे भी बात आ गई और अब ये आर्ट ऑफ शेविंग पे भी बात आ गई, कुछ फॉरेन के और अच्छे क्वालिटी के जो आर्टिजन सोप्स हैं मेरे पास आ गए, फिर हमारे जो लोकल जो आर्टिजन्स हैं जो इतनी मेहनत करके इतने बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं कि वो किसी भी फॉरेन जो आर्टिजन सोप पर टक्कर दे सकते हैं, अतुल चड्ढा जी का शिवोलॉजिस्ट, तो और इसी तरह से द बटरफ्लाई गार्डन पानी सोप्स, फिर अभी लश्कर के हैं साहब हैं एक, उन्होंने भी शुरू किया है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो, और अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, होप जल्दी से जल्दी मैं भी उनको भी यूज़ करूँगा। और आपस में जो हमारे वेटरन जो वेट शेवर्स हैं वो जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वो एक एक चीज़ बताते हैं, इट्स अ ट्रेमेंडस थिंग। तो ये बात तो है। तो सेकंड पास क्लोज कॉम साइड से करूंगा मैं, नेक एरिया एज यूजुअल अगेंस्ट द ग्रेन, yeah।
एक अच्छा ऑडियो फीडबैक मेरे को आ रहा है, आपको भी आवाज आ रही होगी। सो ऑलमोस्ट नियरली नियर परफेक्ट शेव, नियर परफेक्ट बेबी स्किन स्मूथ शेव, नो स्ट्रगल एट ऑल। सो लेट्स वेट फॉर एलम फीडबैक। कोई जरूरत नहीं है मेरे को, ना कैमरा बढ़कर। खैर आज मैंने यहाँ पे घिसाई कम करी है, अब मैं रोकता हूँ। जो अंदर का परफेक्शनिस्ट होता है उसको थोड़ा सा लगाम देना पड़ेगा। आपको चाहिए बिल्कुल क्लीन, इसलिए तो बार बार आप रेजर चलाते हो वो लॉन्ग टाइम में हार्म ही कर रहा होता है, क्योंकि उसको फिर हील करने में टाइम लगता है। तो इफ़ यू आर ए डेली शेवर तो बस एक दो पास आप कर लो, और अगर तीन चार दिन में है तब आप आराम से करो। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, दो पास करता हूँ, और कहीं टचअप की जरूरत होती है तो वहाँ पे उतना क्रीम लगा नहीं करता हूँ। तो आई एम ऑल्सो लर्निंग स्टिल। चलिए लेट मी वॉश माय फेस। बहुत ही मध्यम स्मेल है इसकी। जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल्स नहीं पसंद है, और ये जो है किसी भी तरह के, हाँ ये क्रीम जो है इनकी वेबसाइट में पढ़ा है मैंने, इनके प्रोडक्ट्स किसी भी तरह के डाइज और कलर से मुक्त होते हैं। और आर्ट ऑफ शेविंग जो है अभी अपने शेविंग ब्रश भी बना रही है, इनके शेविंग सोप्स भी आते हैं, और जो इनकी शेविंग क्रीम है वो ऊद में भी है, बोबोन करके एक है, वो शायद कुछ बिस्कुट चॉकलेटी फ्लेवर की हो सकती है, फ्लेवर कह रहा हूँ फ्रेग्रेंस की हो सकती है, वो भी है। बट अपने को बात में भी यही है, क्या जन्नत जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। तो चलिए अब हम आते हैं आज के पोस्ट शेव पार्ट पे। तो ये इसका बॉक्स है, और सेम चीज़ इसमें भी लिखी है। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जल्दी से। इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें एक्वा मतलब वाटर, ग्लिसरीन, शिया बटर तो नेचुरल है, ग्लिसरेल स्टीरेट, ग्लाइकोल, सिट्रस, और बाप रे बहुत ही लंबी लिस्ट है, इतना मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। सोडियम हयालुरोनेट, कैरामल, खाई लो बस, कैरामल भी है ओके, खाना मत वैसे गलती मत करना। और सिट्रस लेमन है, सेंटिला एस्थेटिका, सोडियम सिट्रेट, बहुत चीज़ें आप देख लो, इतनी मैं बाहर ज़्यादा मैं इस पर लेक्चरबाजी नहीं करूँगा। और प्रोक्टर की तो है ही, बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। एंड फॉर्मुलेटेड विथ, यहाँ पे इन्होंने स्पेशल मेंशन किया, इट इज़ फॉर्मुलेटेड विथ अ टच ऑफ शिया बटर एंड ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, इट मॉइस्चराइजेस एंड रिवाइटलाइज द स्किन। चलिए अब जल्दी से खोलते हैं इसको। दिस इज द पैक, और ग्लास बॉटल है ये, क्लासिक ग्लास बॉटल है ये, तो इट्स नॉट प्लास्टिक, इट्स अ ग्लास बॉटल। एंड दिस इज द एटोमाइजर, सो आई थिंक दिस इज इनफ। गर्मी का टाइम है, मगर इसमें इन्होंने कहा है कि इट कैन बी यूज्ड इन ऑल सीजंस। वहां पे इनकी वेबसाइट पे मैंने प्रोडक्ट डिटेल में पढ़ा, तो इट कैन बी इजीली यूज्ड इन ऑल द सीजंस। एग्जैक्टली सेम स्मेल है जैसे शेविंग क्रीम की है, बल्कि नोट्स थोड़े से ज्यादा इनहांस हो रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ी सी चंदन की स्मेल मेरे को थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा शेविंग सेशन। आशा करता हूं आपको मजा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।
फॉरेन प्रोडक्ट्स दिखाने का एक ही मेरा फोकस ही रहता है कि आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट से भी रूबरू हम कराएं। अगर आप ऑलरेडी हैं आपके पास तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। तो प्रोक्योर करते हैं हम भी अपनी जमा पूंजी जोड़ के, अपना बजट बनाते हैं और फिर उसको मंगाते हैं। अभी यूट्यूब चैनल इतना नहीं हुआ है कि हमें पेड कि हमको या इतने ज़्यादा हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते कि हम इस तरह से करें। तो ये सब अपनी खरी गाड़ी कमाई, ईमानदारी की कमाई का ही पैसा है। बट माल खालिस है, बढ़िया माल है। तो अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो वहाँ से आप मंगा सकते हैं। आप दुबई जाते हैं तो वहाँ पे भी मैंने सुना है इनका स्टोर है। अभी हाल ही में हमारे वैश्यवा जो है आशीष आहूजा जी ने हमें बताया, कुछ पिक्चर्स अपलोड की थी उसी स्टोर की दुबई में। तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है भैया, नो डाउट अबाउट दैट। तो जैसा लगता है कि इट्स अ उबर लग्जरी प्रोडक्ट, यस 100% टॉप नॉच। तो लेट मी अगेन रिकैप्चर। सो दिस इज द क्रीम आर्ट ऑफ शेविंग, फंटास्टिक, बहुत बढ़िया दादा। और ये तो मेरा चहेता रेजर है, पिछले 2.5 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये हाइब्रिड रेजर में। तो आपकी दाढ़ी अगर बड़ी है तो एक तरफ से करिए और फिर फाइनल टचअप आप जो है क्लोज कॉम की तरफ से करिए। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और एस्ट्रा भी अब मेरे को धीरे धीरे पसंद आने लगा है। और ये आज का देखिए, अभी एक पास के लायक और लादर है इसमें, इट्स याकी अटलांटिस। इट्स चाइनीज कंपनी, मगर चाइनीज चाइना के साथ कुछ हमने जुड़ा हुआ है कि कुछ हमें नेगेटिव या क्वालिटी फैक्टर, बिल्कुल ऐसा नहीं है भैया। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये प्रोक्योर मैंने किया है, जो सुधीर खोकर जी ने बताया है कि यू कैन इजीली परचेज इट फ्रॉम लॉट्स ऑफ वेबसाइट। तो उसके लिंक्स मैं आपको डालूंगा। एंड ऑफकोर्स बहुत ही बढ़िया आफ्टर शेव, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं, एकदम से एब्जॉर्ब हो गया। और मेरे को बिल्कुल गर्मी के टाइम में ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा मैंने ज़्यादा लगा लिया है, कम लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। सो जैसा उन्होंने कहा है कि हर सीज़न में आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये बात हो सकती है सही है, मगर अभी और यूज़ करेंगे, इतनी जल्दी हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुँचना चाहिए। तो ये था आज का सेशन दोस्तों। अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, लाइक्स करिए, कुछ कमेंट्स लिखिए। अगर बिल्कुल नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करिए, आपका हुक्म सर मथे। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ आपको लगता है कि कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे को आप बताइए, कोशिश करूंगा मैं इनको प्रोक्योर करके इनके ऊपर भी अपने यूजर एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और हमेशा खुश रहिए, जो कुछ भी आपके पास, देखिए अपने गोल्स की तरफ बढ़िए, मगर जो चीज़ है उसके प्रति आप नेगेटिव मत रखो, जो है उसके लिए हमेशा धन्यवाद दो और आगे के लिए काम करो। जो जो चीज़ें सोचते हो वो आप लेते चलो, खुश रहो, अपने घर वालों को बहुत बेइंतहा प्यार दो, दोस्तों को प्यार दो और बेस्ट शेविंग को एंजॉय करो। यही मैं आपसे चाहता हूँ और यही हमारा फोकस था, मेरा फोकस था इस चैनल को शुरुआत करने का। मेरे से कुछ भी गलती हो तो भूल चूक माफ, और कुछ अच्छा होता है तो आपका ब्लेसिंग्स मैं कहूँगा। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए सबका खैर, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, जय हिंद।